तो सारा टूरिज्म के हिसाब से कंस्ट्रक्शन किया गया है, आप लोग घूमेंगे यहाँ पे और देखेंगे, एंजॉय करेंगे और खाना यहीं पे खा कर जाइए। हाय फ्रेंड, आप सभी को मेरा ये ब्लॉग में वेलकम। तो आज मैं आके पहुंचा हूं चंदका गिर फार्म में, जहां पे आपको शेयर करने वाला हूं कि बहुत सारा गिर गाय यहां पे रखा गया है। उसके मतलब यहां पे पूरा एग्रो टूरिज्म जैसे बनाया गया है। भुवनेश्वर वासी यहां पे आते हैं स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। तो आप देखिए कैसे लगता है, आपको कैसे फील होता है। आप बने रहिए इस वीडियो में, तो आप मिस मत कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो हम आके पहुँचे चंदका फार्म में। तो यहाँ से एक बछड़ी लेंगे, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे चंदका फार्म में एग्रो टूरिज्म जैसे बनाया है। तो गायों के बीच में आना बहुत ही मस्त लग रहा है, मगर कोई मारेगा तो मारेगा तो प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा गाय देखेंगे, मैं तो आपके साथ शेयर करता हूँ। अंदर जाएंगे, अंदर जाके देखेंगे, धूप बहुत है। देखिए यहाँ पे हरियाणा नस्ल दिख रहा है और ये गिर गाय तो बहुत ही मस्त लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हिपर सेक्शन है और ये थोड़ा मतलब मैं पूरा कोई बाहर से आएगा तो थोड़ा ऐसे कर रहे हैं। तो हिपर्स देखिए कितना है, बहुत सारा हिपर्स है और देखिए पास जा रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर लगता है। ये एग्रो टूरिज्म जैसा पार्क बना है, तो आके घूम सकते हैं आप लोग। देखिए ये गोमाता हिपर है, अभी थोड़ा क्रॉस में जैसे लग रहा है, बहुत ही बढ़िया सुंदर है। हमारा बात को ध्यान से सुन रही है। हाँ देखिए, तो ग्रास बहुत ज़्यादा खाते हैं ये, तो इसीलिए थोड़ा इनका पोटी जो है ना थोड़ा नीला कलर का आ जा रहा है। तो ऐसे जगह पे आने में बहुत ही सुकून मिलता है, मेरा तो पूरा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है ऐसे जगह पर आने से। तो देखो, तो ये कोई उनको आवाज़ दिया तो ये लोग कैसे साउंड दे रहे हैं। अरे जो वाइट कलर का गाय है ये कौन सा ब्रीड है आप लोग बताइए। मेरे ख्याल से ये थारपारकर है और वहाँ उसका बछड़ी बहुत ही सुंदर सुंदर है। और यहाँ पे बुल देखने के लिए नहीं मिला है, बुल उस साइड है, देखते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे पूरा एग्रो टूरिज्म के साथ। आप देखिए कितना सुंदर है। तो यहाँ पे देखिए कुछ गाय है, राठी नस्ल का गाय है इधर, देख पा रहे हैं। और कुछ बाहर से अभी आ रहे हैं, देखिए बाहर से आ रहे हैं। तो ये लोग कितना जोर से चिल्ला रहे हैं, तो बाहर से शायद इसी रास्ते से आएंगे, हम लोग यहाँ पे कैप्चर करेंगे। तो देखिए बुल भी है और यहाँ पे राठी नस्ल का है, बहुत सारे गाय बाहर से आ रहे हैं। तो वो आ रहे हैं या जा रहे हैं देखेंगे, वो शायद आ रहे हैं, उनका क्लिप लेंगे। चढ़े ना खरा कट धला है थी ना नड़ा गदा धर बाहर ना।
तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारा गिर गए थार पार कर भी है, तो आप लोग आके जरूर घूमिए। और मैं धूप पे घूम रहा हूँ, तो अच्छा एनवायरनमेंट जब बारिश के टाइम रहेगा उस टाइम भी आइए, मज़ा लीजिए। और यहाँ पे खाने पीने के लिए सब कुछ अरेंजमेंट है होटल से, तो सारा टूरिज्म के हिसाब से कंस्ट्रक्शन किया गया है। आप लोग घूमेंगे यहाँ पे और देखेंगे, एंजॉय करेंगे और खाना यहीं पर खा कर जाइए ताकि अच्छा लगेगा आपको। तो देखिए थार पार्कर को अभी आके घूम के आके यहाँ पे फीडिंग करवा रही है बच्ची को नंदी। देखिए थार पार्कर का नंदी बहुत ही सुंदर है। और देखिए ये गाय का थोड़ा कंस्ट्रक्शन में ये है प्रॉब्लम है, इसका गर्दन देखिए कैसे हो गया है, थोड़ा अब नॉर्मल है मगर बहुत ही सुंदर है। देखिए अभी भी दिखता है सुंदर, उसके बच्ची को देखिए। साहिवाल, वाइट साहिवाल। अभी सब बाहर आ गए घूमने के लिए, देख पा रहे हैं यहाँ पे पानी पीने के लिए बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट है। देखिए तो आप सभी को कैसे लगा ये वीडियो, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और आगे और भी बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ। तो यहाँ पे धूप है तो आज यहीं से ख़त्म करते हैं। तो देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा है, मस्त ब्रीड है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन डाल दीजिए, और जो भी है इन्फॉर्मेशन आपके साथ यही शेयर कर रहा हूँ। और टूरिज्म का के लिए यही बहुत फेमस जगह है, तो आप लोग आके घूम सकते हैं। तो देखिए पूरा इतना सारा मतलब 100 के ऊपर 100-200 गाय है यहाँ पे। तो चलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आगे और भी अच्छा अच्छा ब्लॉग लेके आऊँगा। ये बड़ा उरा कितने दो चुन माई ना ना बड़ा उरा कितने लोग चुन दे बड़ा उरा हेले सेपोटो साइड गुजरात साइड रे कम रेट रहो जी। एटा को जाती ए जो ब्रीड टा से जो घसी हो जी साइबाल का साइबाल साइबाल एटा बिंजर फुटा इ तळे उरा गेट था पकड़ता मतलब गेट टा ओ पडा रखन के सी जो पछटा हां पेड़ गेट सेटा रख ले ठीक।